मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टॉक पकड़नी चाहिए जो स्टॉक अप ट्रेंड में हो और करेक्ट हुआ हो। तो हाल के दिनों में जो अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा था स्टॉक मित्रों, वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। वो अपने उच्चतम स्तर से करेक्ट होकर के काफ़ी नीचे आया हुआ है और यहाँ से उसमें बाई बनती है। आप देखें इसको तो वर्तमान में 594 पर ट्रेड कर रहा है, कल जो है 1% बढ़ के बंद हुआ था। यदि आप टेक्निकल स्तर पर देखेंगे मित्रों, 52 का हाई इसका देखेंगे तो 52 का हाई जो है 646 बना हुआ है और जो 52 लो है 344 है, अर्थात देखा जाए तो लो से काफ़ी ऊपर है। और हाई से जो 646 का हाई बना हुआ है वहाँ से यह लगभग 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। और वर्तमान में देखिए तो इसके जो भी EMA होते हैं, टेक्निकल स्तर पर जो EMA कहा जाता है, आप देखेंगे तो 50 दिन का EMA 573, 100 दिन का 537, 200 दिन का 493, तो बिल्कुल जो है ये मूव करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यह शेयर एक संबंधित दो के 1:2 रेशियो के रिस्क रिवार्ड से यह शेयर बाई बनता है और इस शेयर को लेना चाहिए। आप इसका सिंपल मूविंग एवरेज भी देखिए तो 5 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 578 है, 50 दिन का 575 है, 460 है 200 दिन का, यानी सभी तरीके से यह शेयर जो है अपने उच्चतम स्तर के आसपास मतलब अप ट्रेंड में है। उच्चतम तो 646 है, तो यहाँ से जब यह मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि यह 646 के ऊपर जा सकता है। तो 2 से 3 महीने के दौरान यदि जिसको रिटर्न 10 से 15% का रिटर्न लेना है, इस स्टॉक में अपना पोजीशन बना सकता है। स्टॉप लॉस रखना है जहां पर भी हम ट्रेडिंग करें, जिस भाव से भी हम खरीदारी करें, वहां से 5% का स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य रखें 10% का। इसके उपरांत यदि शेयर ऊपर जाता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को भी हमको लगातार बढ़ाते रहना है। और एक समय ऐसा आएगा मित्रों कि यह स्टॉप लॉस अपने आप कट जाएगा ऊपर के भाव पर। तो ट्रेडिंग पिक HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC ग्रुप का है, फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग शेयर है। यह शेयर ऐसा है मित्रों कि हर किसी के पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। अब इसका फंडामेंटल देखेंगे तो मार्केट कैप देखिए तो 1,18,000 करोड़ का है, PE जो है 88, हालांकि PE बहुत अधिक है लेकिन HDFC ग्रुप के शेयर में, और ये क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी बिजनेस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा PE वगैरह मायने नहीं रखता है। एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में पैसा वही स्टॉक बना के देते हैं जिसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है और वो एफिशिएंस होता है अपने काम को आगे ले जाने का। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC AMC, HDFC ग्रुप की दोनों बहुत बेहतरीन और उम्दा कंपनी है और आने वाले समय के लिए एक मल्टीपैकर स्टॉक। इसका रेशियो आप देख लीजिए मित्रों, तो रेशियो देखेंगे तो देखिए ROE जो है 24% चल रहा है, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत। आप इसका डेप्ट टू रेशियो भी देखिए, डिप्टेक टू रेशियो में भी देखिए तो बहुत ही कम है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। और ये ऐसी कंपनियाँ हैं मित्रों जहाँ पर अपना स्किल लगा के लोग पैसा कमाते हैं, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट्री, बहुत ज़्यादा प्लांट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। हम इंश्योरेंस कराते हैं, हमारा प्रीमियम होता है, उस प्रीमियम का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, अपना स्किल अपना बुद्धि प्रयोग करते हैं। तो आने वाले समयों में जिन सेक्टर्स में पैसा बन रहा है और बनेगा वो सेक्टर है NBFC सेक्टर। NBFC सेक्टर बोले तो HDFC, AMC, रिलायंस, जो निप्पन इंश्योरेंस एसेट मैनेजमेंट है वो, HDFC लाइफ, ICICI लाइफ, SBI लाइफ, फिर इसके बाद ICICI लोम्बार्ड, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार पैसे बना के दे रहे हैं और आगे भी पैसा बनाने की देने की क्षमता रखते हैं। तो मेरा अपना मानना है मित्रों कि इस स्टॉक को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और पोर्टफोलियो में रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। चूँकि ये ऊपर से करेक्ट हुआ है इसलिए इस समय स्ट्रांग बाई बन रहा है। यदि ट्रेडिंग करना हो तो 2 से 3 महीने के दौरान आपको 10 से 15% का रिटर्न मिलेगा।
यदि पोर्टफोलियो में रखेंगे तो निस्संदेह आने वाले 10 सालों में मिनिमम मिनिमम 10 गुने से ऊपर का रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो आज के लिए मैं तो इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। यदि मेरे ट्रेडिंग टिप्स से आपको फ़ायदा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।